morning. I hope you all are good and let's start this vlog without further any delay. If you're new on my channel, please subscribe it. If you like the video, please hit the like button. Share to your loved ones. Comment करते ना करो. आज संडे देखते हैं मैं अपना रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ. तो पूरे इस व्लॉग को देखना. बाय बाय. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. With lots of positivity, मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और आज मैं रिवाइज कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री. मतलब जो 8.4 है ना, वो ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी. मेरी तो ओल्ड बुक है इसलिए 8.4 कह रही हूँ मैं. 8.3 भी है तो उसमें क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं. तो जो भी अब 8.3 हो 8.4 हो कोई बात नहीं, वो मेरे उसमें तो 8.4 है. तो 8.4 जो एक्सरसाइज है वो ऐसी एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी प्लस बहुत ज़्यादा बार रिविजन. अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या पता आप भूल सकते हो एक दो दिन बाद या एक दो हफ्ते बाद अगर आपकी ज़्यादा ही अच्छी मेमोरी है. तो फिर भी हमें कभी ना कभी रिवाइज़ करना ही पड़ेगा. तो इससे बढ़िया मैं सोच रही हूँ रिविजन करते चलूँ, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में ऑब्वियसली वैसे क्वेश्चन आने ही हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, भले ही अब स्कूल वाले दें या प्री बोर्ड्स में दें या बोर्ड्स में ऑब्वियसली आएंगे. तो इसलिए अभी से ही अपना याला कॉन्सेप्ट पक्का करके चल रही हूँ मैं. तो यार चलो कमेंट्स में चलते हैं. कमेंट्स बहुत ज़्यादा, अब आप इतना प्यार करने लगे हो तो इतने ज़्यादा कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास और मेरे को सभी का रिप्लाई देना है क्योंकि इट्स माई ड्यूटी टू क्लियर योर ऑल डाउट्स. वैसे मैं आज ही सारे कमेंट्स के आंसर देने का ट्राई करूँगी, बट अगर कुछ भी रह जाता है तो प्लीज़ डोंट बी लाइक हमारा कमेंट का आंसर नहीं दिया. मैं जल्दी ही दूंगी, जल्दी ही नहीं मतलब अगली वीडियो में दूंगी, इससे अगली वीडियो में अगर नहीं दे पाई तो ऑब्वियसली. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एनी डिले. तो सबसे पहला कमेंट है अहाना मलिक -E1P का. हेलो संचिता दी, आई एम अहाना. देखो मैं पढ़ लेती हूँ पहली. इन्होंने मुझसे बोला कि कोई टिप्स दे दो फॉर अमेजिंग स्टडी व्लॉग्स बनाने के लिए. ठीक है, तो यार पहले तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो थैंक यू सो मच. और अगर मैं टिप्स की बात करूं तो देर इज़ नो सच टिप जो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती हूं. मैं सिंपल एक कैमरा सेट करती हूं एक अच्छी लोकेशन पे, अगर ये अच्छी है आपके लिए तो मेरे लिए तो अच्छी है. और फिर उसके बाद सिंपल अपना जैसे पढ़ते हैं पढ़ो. ठीक है, कैमरा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए. फिर उसके बाद नथिंग एल्स है, मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ. और बस थंबनेल अच्छा होना चाहिए, आपका थंबनेल थोड़ा अगर हाईलाइट होगा तो क्या पता आपके अच्छे व्यूज़ आए. और आपका स्टडी व्लॉग में अंदर कंटेंट कैसा है या आपका जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कैसा कंटेंट चाहते हैं इस पर भी बहुत डिपेंड करता है. एंड नथिंग एल्स, और एडिटिंग थोड़ी सीख लो. इन शॉर्ट भी होता है एक ऐप, उसमें भी जाके देख सकते हो. तो इस कमेंट का आंसर तो मैंने दे दिया है और अगर आपको अपने कमेंट का आंसर मिल गया तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट. और फाइनली यार मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, मेरे लिए तो थोड़ा सा ही है, मतलब मैंने पढ़ लिया था. और फिर उसके बाद दिन में हम चले गए थे मार्केट, मार्केट में थोड़ा काम था, उसके बाद हम मॉल भी जाएंगे शायद. अभी एज सच कोई प्लान्ड नहीं है, देखते हैं क्या होता है और कहाँ पहले जाते हैं. तो हमें थोड़ा सामान लेना था तो हम मॉल चले गए. और मॉल में गए तो इतनी भीड़ हो रही थी क्योंकि अब संडे था तो सभी आएंगे ऑब्वियसली, तो फिर भीड़ थी तो इतना ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए. वैसे फिर भी हमने बहुत कुछ देखा, लाइक स्टेशनरी का हमें कुछ लेना था तो हमने देखा, बट इतनी ज़्यादा अच्छी स्टेशनरी नहीं थी. फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसे लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसमें भी मैंने जैसे आपको दिखाया, हमें लगा थोड़ा और रुक लेते हैं कभी और लेंगे. आज हम देख के आ गए थे कि लाइक क्या क्या सामान है वहाँ पे. और फिर मैं जब घर आई मैं सो गई थी, उसके बाद जब मैं उठी मम्मी मेरे को बताती बारिश हुई है. बारिश होने के बाद मैं ऊपर थोड़ा वेदर बनाने गई, थोड़ी ऐसी बूंदाबांदी उठती, दिख रही नहीं होगी वीडियो में ऑब्वियसली.
फिर उसके बाद मैं दोबारा बैठ गई थी पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं अपने आप को, जैसे मैंने बताया आपको, लाइट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने उसका एक, तो यार मैंने उसका पेपर बना लिया है खुद के लिए असिस्ट करने के लिए। एक शीट टाइप बनाई है, नॉट एनी थिंग लाइक इतना बड़ा पेपर, कुछ ऐसी एक शीट बना रही है 2-3 सवाल लिख के, वो मैं खुद कर रही थी। हो सकता तो मैं नेट से भी कभी ना कभी करूँगी ऐसे सवाल, बट अभी मैंने सोचा ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं। तो चलो दोबारा आप लोगों के कमेंट के आंसर देने के लिए चलते हैं। तेंजिन येशी डैश F1I ने मुझसे पूछा है कि डिड यू मेक शॉर्ट नोट्स या डिड यू प्रेफर स्कूल नोट्स और सेल्फ शॉर्ट नोट्स। देखो पहली बात, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती नहीं हूँ, नोट्स बनाती हूँ तो एकदम पूरा सब चीज़ कवरअप होना चाहिए, भले ही वो कितने छोटे बने या कितने बड़े बने। मेरे को ऐसा कोई कंसाइज या कोई शॉर्ट नोट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नोट्स बनाती हूँ मैं तो पूरे अच्छे से बनाती हूँ, भले ही वो स्कूल के हो या मैं खुद से बना रही हूँ, ठीक है। और डू आई प्रेफर स्कूल नोट्स या सेल्फ मेड नोट्स, तो ऐसा नहीं है, मैं खुद के स्कूल के नोट्स भी कोई ऐसे टीचर्स इतना ज़्यादा करवाते नहीं है, खुद ही बनाती हूँ, तो इसलिए दोनों ही नोट्स आई प्रेफर। और लगता है कि आई शुड रीड फ्रॉम स्कूल नोटबुक, तो कभी कभी मैं स्कूल नोटबुक से पढ़ लेती हूँ, और कभी मेरे को लगता है मेरे को अपने जो मैंने घर में नोट्स बनाए उनसे पढ़ना चाहिए तो मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा, प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट अगर मिल गया है तो। नैतिक जोशी डैश NQ3LH ने मुझसे पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। तो देखो हैंड राइटिंग तो देखो कुछ लोगों की अच्छी नहीं होती है तो वो अच्छी करते हैं, और कुछ लोगों की बचपन से ही अच्छी होती है, तो जिनकी पहले से राइटिंग अच्छी है वो तो यार चलो बहुत अच्छा है, और जो राइटिंग सही करना चाहते हैं तो देखो एक टिप ही है कि तुम रोज़ एक पन्ना लिखो, वो अलग बात है, अब बोलने में अजीब लगता है कि एक कोई बड़ा बच्चा ही हो गए अब 10th के तो तुम, तो वो एक पन्ना लिखेगा, बट हाँ अगर तुम्हें अपने नंबर नहीं कटवाने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में तो अभी से शुरू कर दो, एक एक पेज ही तो लिखना है यार, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं जाके क्या अभी बोर्ड में हो जाएगा। अगर एग्जामिनर को तुम्हारी राइटिंग समझ नहीं आई तो खाली में नंबर कटेंगे, इससे बढ़िया तुम अच्छी राइटिंग में, इतनी भी अच्छी नहीं मतलब जिससे समझ आ जाए वैसी राइटिंग, जो समझ आने लायक हो वैसी राइटिंग तो बनाना शुरू कर दो। और दैट्स इट, इतना ही कहूँगी मैं कि तुम एक पेज लिखो, उससे क्या पता तुम्हारी राइटिंग, और ऐसा नहीं है बस तुम लिखे जा रहे हो अपनी पुरानी राइटिंग में जो तुम्हारी थी और लास्ट में देखा एक महीने बाद वो तुम्हारी वही राइटिंग है, तो इम्प्रूव लाओ राइटिंग में, एक पन्ना लिखो उसके बाद अच्छा लिखने की कोशिश करो, ऐसा नहीं खाली बबाल टलाई करके लिख दिया। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहूँगी मैं। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है मेरे हिसाब से, चंचल अग्रवाल 7957 ने मुझसे पूछा है कि मेरे को होमवर्क नहीं मिलता है क्या, उन्हें तो मतलब ऐसे भर भर के होमवर्क देते हैं कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं, इवन तो मुझे भी होमवर्क मिलता है, ठीक है, देखो मेरे को नहीं पता आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इवन तो आपको भी नहीं पता मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग शेड्यूल है, दोनों को अलग अलग होमवर्क मिलता होगा, और अपने हिसाब से मेरे को भी ज़्यादा ही मिलता है और आपके हिसाब से आपको भी ज़्यादा ही मिलता है, तो प्लीज़ डोंट मेक एक्सक्यूजेज, ये सब यार बहाने होते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, कोई कहते हैं कि हमारे पास इतना इनफ मनी नहीं है कि हम लाइक कोई बैच में एनरोल नहीं हो सकते, एक्सक्यूज दे रहे हो, 10th क्लास है अच्छे से मेहनत करो, इतने यार एक्सक्यूजेस देना बंद करो, सेल्फ स्टडी को टाइम निकालना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है मैं भी कह दूं मेरे पास इतना सारा काम है, बट मैं फिर भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि यार सेल्फ स्टडी के बिना 10th में कुछ नहीं होने वाला है, खाली नोट्स लिख के और सजा सजा के काम करने में कुछ भी नहीं होने वाला है 10th में, बस 20 नंबर तो मैं वैसे भी मिल जाएंगे जो नहीं मिलने होते हैं। देखो एट लास्ट मैं यही कहूँगी, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना शुरू कर दो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही 10th में कुछ होने वाला है, नोट्स और इन सब से काम करके कुछ भी नहीं होगा स्कूल का, 20 नंबर वैसे भी मिल जाते हैं, एवरेज बच्चे को भी मिल जाते हैं, टॉपर को तो वैसे ही मिल जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम होमवर्क बिल्कुल भी मत करो, होमवर्क इवन तो मैं भी करती हूँ, बट इतना ज़्यादा टाइम यार मेरे को नहीं लगता होमवर्क में लगता है, अब तुम मैनेज करो, आई कांट से एनीथिंग, मैनेज करना सीखो, जैसे मैं आजकल अब करना सीख गई हूँ मैनेजमेंट अपने आप से ही। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कमेंट के आंसर दे दिए हैं, सो दिस वाज द एंड ऑफ व्लॉग, इफ यू लाइक द व्लॉग प्लीज हिट द लाइक बटन, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, तब तक के लिए बाय बाय।